वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक एनालॉग क्लॉक यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चलो शुरू करते। सबसे पहले हम VS Code में तीन फाइल्स बना लेते। तो पहले होगी index.html, दूसरी हम बनाएंगे style.css और लास्ट की फाइल हम बनाएंगे JavaScript के लिए, जिसको हम नाम देंगे script.js। तो सबसे पहले अब हम आते हैं index.html फाइल में। तो यहाँ पे हम Shift+1 प्रेस कर देंगे और HTML के बॉयलर प्लेट कोड को इंसर्ट कर देंगे। मैं इस फाइल को टाइटल दूंगा एनालॉग क्लॉक बाय द कोड स्कूल। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे बॉडी टैग में। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर क्लास के अंदर मैं बनाऊँगा एक और क्लास जिसको मैं नाम दूंगा क्लॉक। ठीक है, तो मैं इस फाइल को साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे डिजिट चाहिए हमें 1 to 12। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्पैन टैग का, और यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे बी टैग का। तो यहाँ पे मैं डिजिट देता हूँ 1, और इसी लाइन को हमें क्या करना है, नीचे कॉपी करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले अल्ट शिफ्ट डाउन की का। तो इसके बाद गाइज हम यहाँ पे डिजिट्स को चेंज कर देते हैं जल्दी से। गाइज इसके बाद हम हमारे क्लॉक को स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे style.css फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे लिंक css, ये MH शॉर्टकट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो एक्सपांड करके हमें फाइल लिंक करके देगा। तो गाइज यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स को एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग देंगे, इसके लिए हम स्टार का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेट कर दूंगा मार्जिन 0, पैडिंग हम सेट करने वाले 0, बॉक्स साइजिंग हम सेट कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली मैं सेट करने वाला हूँ सैन सेरिफ, और जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हम सेट कर देंगे वाइट, हेक्स वैल्यू #FF। इसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी है ना, तो बॉडी को हम सेट करने वाले एक बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर सबसे पहले उसके लिए हम यूज़ करेंगे RGB प्रॉपर्टी का, तो और इस वैल्यू होगी 333334। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और जो मिनिमम हाइट होगी ना, वो हम सेट कर देंगे 100 VH, VH मीन्स व्यू पोर्ट की हाइट। मुझे ये कंटेंट सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लेक्स बॉक्स का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू होगी फ्लेक्स, और हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको हॉरिजेंटली सेंटर कर देंगे, और अलाइन आइटम सेंटर का यूज़ करके उसको वर्टिकली सेंटर कर देंगे। और गाइस इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लॉक है ना, उसको स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्लॉक, जो कि एक क्लास सिलेक्टर है। तो मैं इसकी जो पोजीशन होगी ना, पोजीशन मैं सेट कर दूँगा रिलेटिव, और बॉर्डर रेडियस हम इसको सेट कर देंगे 50%, जो कि पूरे के पूरा सर्कुलर होगा। और जो विड्थ होगी ना गाइस, तो विड्थ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 500 पिक्सल का। और जो हाइट भी होगी, तो हाइट के लिए हम कितनी हाइट देंगे, 500 पिक्सल की हाइट देने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ बैकग्राउंड में चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट कंटेनर। ठीक है, तो हम हमारे कंटेनर को स्टाइल कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड हमें देने वाले RGBA वैल्यू, जो होगी 255 255 255, और यहाँ पे 0.05, जो कि अल्फा वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे अभी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, बॉर्डर रेडियस जो होगी ना इसकी कंटेनर की, वो हम कर देंगे 50% सेट कर देंगे, तो पूरा का पूरा वो सर्कुलर हो गया। और पैडिंग हम इसको देंगे 10 पिक्सल की, और जो आउटलाइन हम इसको देने वाले 10 पिक्सल, जिसका टाइप होगा सॉलिड, और कलर का कौन सा देने वाले हम, हेक्स वैल्यू 3B3831 का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन और ये अलग अलग वैल्यू दिख रही है। तो इसके बाद हम आउटलाइन को है ना एक ऑफसेट दे देंगे, तो आउटलाइन ऑफसेट हम देंगे 5 पिक्सल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट और आउटलाइन के बीच क्या हो चुका है, गैप आ चुका है।
और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बॉक्स शैडो भी दे देते, तो बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एक्स ऑन वाई एंड 80 पिक्सल का हम इसको ब्लर देंगे, और जो ब्लर का कलर होगा ना वो होगा ब्लैक, तो हेक्स वैल्यू 000। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लैक हो चुका है। तो इसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, हमारा जो क्लॉक है ना, तो यहाँ पे हमें ये आइटम्स क्या चाहिए, सारे के सारे सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे क्लॉक सिलेक्टर में। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ डिस्प्ले, इसको सेट कर दूंगा फ्लेक्स, और हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले। तो JCC अगर आप लिखेंगे तो वो भी एक्सपांड करके देगा, और AIC तो अलाइन आइटम सेंटर करके, तो वो सेंटर में सारे डिजिट्स को लेके गया। तो गाइज इसके बाद हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉर्डर जिसकी विड्थ होगी 20 पिक्सल, टाइप होगा सॉलिड, और कलर होगा हेक्स वैल्यू 18129। तो गाइज इसके बाद हम इस आउटलाइन को ऑफसेट दे देंगे -20 पिक्सल का। तो गाइज इसके बाद हम इन डिजिट्स को रोटेट कर देंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डॉट क्लॉक और स्पैन सिलेक्टर का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो पोजीशन होगा तो पोजीशन हम सेट कर देंगे एब्सोल्यूट। तो गाइज यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं इन नंबर्स को रोटेट करने के लिए। तो हम जाते हैं हमारे index.html में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारा एट्रीब्यूट होगा स्टाइल, और यहाँ पे डबल हाइपन जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि जे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो J1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है Ctrl+C स्टाइल एट्रीब्यूट को, और हर स्पैन टैग में उसको क्या करना है, पेस्ट करते जाना है। और इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना वो चेंज कर देंगे जे की। ठीक है, जो भी डिजिट होगा वो वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लिए है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए CALC फंक्शन का कैलकुलेट, और यहाँ पे हम 30 डिग्री इनटू वेर वेरिएबल जो होगा हमारा डबल हाइफन जे, तो उससे हम क्या करने वाले, रोटेट करने वाले। जैसे कि आपका डिजिट 1 है तो वो 30 डिग्री से रोटेट होगा, डिजिट 2 है तो वो 60 डिग्री से, 10 है तो वो 300 डिग्री से रोटेट होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक और प्रॉपर्टी सेट कर देंगे इनसेट, जो हम सेट करने वाले 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे सारे डिजिट्स है ना रोटेट हो चुके। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनके जो टेक्स्ट है ना वो क्या है, हमारे क्लॉक के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन हम क्या करते हैं, सेंटर कर देते। तो यहाँ पे ये 12 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट है ना वो स्ट्रेट नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी को स्टाइल करेंगे, हमारा जो बी टैग है। तो यहाँ पे हम डॉट क्लॉक स्पैन बी सिलेक्टर का यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम रोटेट इसको हम CALC कैलकुलेटर फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम 30 डिग्री से जगह हम देंगे -30 डिग्री इनटू, और जो हमारा वेरिएबल वेर कीवर्ड और हाइपन हाइपन जे, यहाँ पे वो रोटेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले जो है ना वो हमें सेट करना पड़ेगा इन लाइन ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे डिजिट्स है ना रोटेट हो चुके और स्ट्रेट दिख रहे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फॉन्ट साइज़ होगा ना हमारा, फॉन्ट साइज़ मैं इसको बड़ा के करता हूँ 24 पिक्सल, और इसके बाद हम इसको एक फॉन्ट वेट भी दे देते, फॉन्ट वेट हम इसको दे देंगे 700, और जो हाइट और विड्थ होगी तो हाइट हम दे रहे हैं इसको 50 पिक्सल, और विड्थ भी हम इसको दे देंगे 50 पिक्सल। तो गाइज इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं डॉट क्लॉक, ठीक है, और सुडो एलिमेंट होगा बिफोर। तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट होगा ना, तो कंटेंट हम क्या करते हैं, एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, और जो पोजीशन होगी, पोजीशन हम क्या सेट कर देंगे, एब्सोल्यूट, और इसकी जो विड्थ होगी डॉट की वो होगी 10 पिक्सल, और हाइट क्या होगी 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल की हाइट, 10 पिक्सल की विड्थ। और इस मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है ना, सर्कल या हम फील्ड सर्कल बोल सकते हैं उसको, तो बॉर्डर रेडियस हम सेट करने वाले हैं 50%,
और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, तो बैकग्राउंड हम रखेंगे वाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में सर्कल या फील्ड सर्कल क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ, इसकी जो जेड इंडेक्स होगी ना, तो जेड इंडेक्स मैं सेट कर दूंगा 1। तो यहाँ पे हमने बीच में सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें चाहिए हैंड चाहिए क्लॉक के, ठीक है। तो हम आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पे हम क्लॉक के अंदर 3 div बनाएंगे, तो 3 हैंड के लिए। तो इसका हम क्लास रखेंगे डॉट हैंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको एक आईडी भी दे देता हूँ, ठीक है। तो आईडी होगा आर हैंड, ठीक है। और यहाँ पे हम अल्ट शिफ्ट डाउन की का यूज़ करेंगे और नीचे कॉपी कर देंगे। और यहाँ पे हम रिस्ट चेंज कर देते, तो आर हैंड की जगह होगा मिनट हैंड आईडी, और लास्ट का जो होगा वो होगा सेकंड हैंड। तो गाइज यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, हाइट एंड विड्थ के लिए। तो हम यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल इज इक्वल टू हाइपन हाइपन सी एल आर, जो होगा बैकग्राउंड कलर के लिए। तो हम यूज़ करेंगे हेक्स वैल्यू डबल F3D58 का, ये हमें आर हैंड के लिए कलर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक हाइट भी दे देते थे, ठीक है। तो हाइट के लिए एच टी हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, तो हाइट देंगे हम 120 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ होगी ना, तो हम इसको विड्थ के लिए हाइपन हाइपन डब्ल्यू टी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, वो हम देंगे 9 पिक्सल, हम देंगे 9 पिक्सल। और यहाँ पे हम क्या करते, इन स्टाइल एट्रीब्यूट को क्या करते, कॉपी करते और बाकी दो हैंड्स में पेस्ट कर देंगे। तो डिव कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम चेंज कर देते। तो यहाँ पर जो मिनट हैंड होगा, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो है होगा 00A6FF। और इसकी जो हाइट होगी, हाइट हम लेने वाले 150 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ हम लेंगे 7 पिक्सल। और लास्ट का जो हैंड है वो हमारा सेकंड हैंड है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले वाइट कलर का। तो वाइट, और यहाँ पे हम इसकी जो हाइट है, हाइट लेने वाले 170 पिक्सल, और डब्ल्यू टी मीन्स विड्थ होगी, तो विड्थ हम लेंगे 4 पिक्सल। तो इसके बाद हम क्या करते गाइज, यहाँ पे हमें डिव टैग के अंदर एक आई टैग हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई टैग ऐड कर देते, और इसके बाद हम जाते हैं हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे आई टैग को स्टाइल करते हैं। तो हैंड आई, हम इसकी जो पोजीशन होगी ना, तो पोजीशन हम सेट करने वाले एब्सोल्यूट। और जो इसके जो बैकग्राउंड कलर होगा, तो बैकग्राउंड के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, वेयर सी एल आर ना, तो सी एल आर। और इसकी जो हाइट है, तो हाइट के लिए भी हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है, तो वो है हाइपन हाइपन एच टी। और विड्थ के लिए कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है हमने, वेयर हाइपन हाइपन डब्ल्यू टी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो जेड इंडेक्स है, तो जेड इंडेक्स हम सेट कर देंगे 0। और हम क्या करते हैं, हमें वो टॉप पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट हैंड प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। और इसकी जो पोजिशन होगी ना, पोजिशन इसकी हम सेट कर देंगे एब्सोल्यूट। और जो डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले हम सेट कर देंगे फ्लेक्स। और जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी होगी, तो हम सेट कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके बाद हम सेट कर देंगे अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स हम सेट कर देंगे फ्लेग्स एंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वो जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 12 से हो रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारी सी एस एस की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें हैंड रोटेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और नीचे डिव टैग के नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी जावा स्क्रिप्ट फाइल को एम्बेड कर देंगे। तो यहाँ पे होगा स्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करेंगे एस आर सी एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम पाथ डालेंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और इस टैग को क्लोज कर देंगे। तो गाइस इसके बाद हम जाते हैं हमारे स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल में। तो सबसे पहले हम हमारे हैंड्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले लेट, तो यहाँ सबसे पहला हैंड होगा आर हैंड। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करने एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी मेथड से। तो इसका जो आई डी है वो क्या है, आर है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मिनट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और इसके लिए हमने आई डी दिया है मिनट। और लास्ट का हैंड कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड इज इक्वल टू हम यूज़ करने वाले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी मेथड का, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड, ठीक है, ये आई डी।
तो इसके बाद गाइस हम क्या करने वाले, डिस्प्ले टाइम एक फंक्शन बनाने वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो फंक्शन यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा डिस्प्ले टाइम। इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट डेट इज इक्वल टू हम करते हैं न्यू डेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गाइज इसके बाद हम क्या करते हैं, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे डेट से। तो लेट एच एच इज इक्वल टू हम करेंगे डेट डॉट गेट आवर्स मेथड का हम यूज़ करने वाले। इसके बाद हम मिनट्स के लिए यूज़ करेंगे mm इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मिनट्स, तो हमें मिनट्स मिल जाएंगे। और लेट एस एस इज इक्वल टू डेट डॉट गेट सेकंड्स, हमें क्या दे देगा, वो सेकंड्स दे देगा। तो गाइज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि हैंड्स कितने डिग्री से रोटेट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अभी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लॉक देख सकते हैं, हमें पता है कि 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट होगा, और एच आवर्स में कितना होगा, 30 × h प्लस यहाँ पे मिनट हैंड और सेकंड हैंड भी है। इन वन आवर मीन्स 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स विच मीन्स 60 मिनट्स में कितना रोटेट हो रहा है, 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना रोटेट होगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 1/2 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, m मिनट्स में कितना रोटेट होगा, m मिनट्स में m बाय 2 डिग्री रोटेट होगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो m बाय 2 डिग्री, ठीक। तो अब हम चेक करते हैं कि सेकंड हैंड का कितना इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें पता है इन वन आवर देर आर 3600 सेकंड्स विच, और कितनी डिग्री मूव होता है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितना मूव होगा कि 30 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज इक्वल टू 1/120। तो s सेकंड्स में कितना मूव होगा, s/120। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो होगा s/120। अब कैलकुलेशन हो चुका है आर हैंड का, तो अब हमें कैलकुलेट करना है मिनट हैंड का। तो हमें पता है कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव करता है मिनट हैंड, तो इन 1 मिनट इट विल मूव बाय 6 डिग्री। तो अगर तो m मिनट्स में कितना मूव करेगा, 6 × m, और इसके ऊपर सेकंड हैंड का भी इफेक्ट होगा। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। इन 1 सेकंड इट इज मूव बाय 6 / 60, तो ये चीज़ भी इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.1 डिग्री से मूव होगा। तो मतलब s सेकंड्स में कितना मूव होगा, s/10। तो इसमें हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, प्लस s/10। तो अब बात करते हैं सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड में 60 सेकंड्स में मूव होता है 360 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना मूव होगा, 6 डिग्री। इन्हीं फार्मूला का हमें यूज़ करना है। तो इसके बाद गाइज हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो लेट हम हैंड रोटेशन के लिए वेरिएबल यूज करेंगे, एच रोटेशन इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या था, 30 × HH प्लस मिनट mm डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या होना चाहिए, सेकंड्स SS डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। हमने अभी देखा ना फार्मूला, तो वहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो m रोटेशन, तो मिनट हैंड का रोटेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, 6 × मिनट प्लस SS डिवाइडेड बाई 10, सेकंड डिवाइडेड बाई 10, और लास्ट का क्या होगा, सेकंड हैंड का रोटेशन। तो लेट s रोटेशन इज इक्वल टू हम करेंगे 6 × SS, तो SS क्या स्टोर कर रहा है, सेकंड्स। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे रोटेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले R
डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बैक टिक का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, रोटेट, और रोटेट के अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पे अभी डॉलर का साइन डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल कौन सा है, ये हैंड रोटेशन, एच रोटेशन कितने से रोटेट होना चाहिए, डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री, ठीक है, एच रोटेशन डिग्री। और इसके बाद हम क्या करने वाले, हमारा सेकंड हैंड कौन सा है, मिनट, मिनट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, बैक टिक के यूज़ करने वाले, रोटेट वैल्यू, और ये इसके अंदर रोटेट के अंदर क्या होगा, डॉलर, हम यहाँ पे डालेंगे एम रोटेशन, और रोटेट कौन से किससे होना चाहिए, डिग्री से, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा, डिग्री होगा। और लास्ट का जो हैंड है हमारा, वो सेकंड हैंड है। तो सेकंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, हम यूज़ करेंगे बैक टिक का, रोटेट जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करने वाले, डॉलर वेरिएबल है एस रोटेशन, और यूनिट होगा डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं हो रहा है, कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले यूजिंग सेट इंटरवल फंक्शन से। तो सेट इंटरवल यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन कौन सा है, डिस्प्ले टाइम, वो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए हर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 मिली सेकंड की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कितना हो चुका है, नियर अबाउट 8:17 और 18 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लॉक क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, हैंड्स भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज गणेश साइनिंग ऑफ, बाय।